हाय फ्रेंड्स, कैसे आप। फाइनल में आपको एक और वीडियो लेकर आया हूँ जो कि फ्रेंड्स हमारे पास इनकी ओल्ड एन की बुलियन की 4 वोल्ट आता है, 3 वोल्ट का इनकी बैटरी है। तो फ्रेंड्स इनकी बुलियन की उसे हम चार्ज कैसे कर सकते। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा बहुत पुराना फ्रेंड्स ये बुलियन की बैटरी है, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसको आप फेंकिएगा मत। एक बार फ्रेंड्स इनके अपने घर पर ही फ्रेंड्स इसको इनकी चार्ज कर और बहुत ही आसानी तरीके से फ्रेंड्स इनके बोलेंगे बल्ब बाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स देखेंगे। फ्रेंड्स ये हमारा खराब हो चुका है, बहुत सेल है, डेड हो चुका है, अच्छा है। तो चलिए फ्रेंड्स कैसे चेक करेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपसे बता दूं हमें LED लगाकर, ठीक है, कि फ्रेंड्स हमारा ये LED जो कि बोलियन की यहाँ पर नहीं चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस सॉरी फ्रेंड्स जो कि माइनस और यहाँ पर प्लस है। देखिए फ्रेंड्स हमारा LED लाइट इनकी नहीं चल रहा है। यही LED लाइट फ्रेंड्स इनकी अगर हम चार्जर पिन होता है वो इनकी चार्जर पिन में इनकी लगाएंगे तो हमारे की LED लाइट इनकी जलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर चार्जर पिन में ले लिया हूँ और यहाँ पर चेक करते हैं हमारे LED लाइट फ्रेंड्स बढ़िया है या दब है, ठीक है। इनकी खराब हो चुका है। तो चलिए प्लस और माइनस, तो देखिए फ्रेंड्स हमारे LED लाइट जल रहा है, ठीक है। तो फ्रेंड्स इनकी इसको हमें इनकी क्या करेंगे, हमें कुछ नहीं करना है। आपको बता दें फ्रेंड्स इनकी सबसे पहले इसमें इनके 2 आयरन की सबसे पहले इनकी हम कनेक्शन करेंगे, इनके आयरन की मदद से लेकर और यहाँ पर रस देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आयरन ले लिया हूँ और आयरन की मदद से फ्रेंड्स इनकी 2 आयरन सबसे पहले इनकी हम रस देते हैं। चलिए फ्रेंड्स आप माइनस को भी इनकी कनेक्शन मैं कर दिया हूँ और माइनस को प्लस कनेक्शन करने के बाद सबसे पहले फ्रेंड्स इनको चार्ज करेंगे। तो फिर चार्ज करने के लिए आपसे बता दूं फ्रेंड्स कि इनकी हमें इनकी कटा हुआ चार्जर होता है ना, उसके इनकी हमें इनकी सहारा लेना है। तो फ्रेंड्स कटा हुआ चार्जर में इनकी स्टेशन बोर्ड होता है उसमें इनकी लगा दिया हूँ और लगाने के बाद फ्रेंड्स सबसे पहले इनकी बोलेंगे कि इसको इनकी हम प्लस डायरेक्ट प्लस में इनकी जोड़ेंगे और माइनस वाला डायरेक्ट इनकी माइनस में जोड़ेंगे, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर इसको कवर करके हटा देते हैं और हटाने के बाद फ्रेंड्स इनकी प्लस वाला वायर इनकी डायरेक्ट प्लस में जोड़ते हैं और माइनस वाला वायर इनकी डायरेक्ट माइनस में जोड़ते हैं। ऐसा कर देंगे और कनेक्शन करने के बाद देखिए फ्रेंड्स हमारे ये थोड़ा देर बोलेंगे कि आप लमसम इनकी इसको इनकी आप 10 मिनट तक इनके रखेंगे ना तो इनके मालूम चल जाएगा कि हमारा ये बैटरी यानी खराब हो चुका है या अच्छा है, ठीक है। तो चले फ्रेंड्स थोड़ा इनकी 10 मिनट तक हम वेट कर लेते हैं। तो चले फ्रेंड्स करीब करीब फ्रेंड्स इनकी बोलेंगे 10 मिनट तो नहीं यानी कि बोलेंगे मैं 5 मिनट तक इनकी इसको रखा और उसके बाद इनकी चेक करेंगे फिर से हमारा लाइट इनकी जल रहा है कि नहीं, यानी बोलेंगे कि चार्ज हुआ है कि नहीं थोड़ा सा भी। तो चले फ्रेंड्स हम डायरेक्ट इनकी सटाएंगे वायर और सटाने के बाद देखिए फ्रेंड्स हमारा ये बल्ब इनकी अभी फिलहाल जलेगा, ठीक है। तो फिर ये बल्ब इनकी बल रहा है क्योंकि फ्रेंड्स इनकी मैं इसमें से इनकी चार्जर पिन इनकी मैं कनेक्ट किया हूँ, मगर फ्रेंड्स जैसे इनकी चार्जर पिन होता है उसे इनकी ऑफ कर देंगे, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स आपके सामने इनकी ऑफ कर रहा हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स जैसे इनकी ऑफ करते हैं तो इनके हमारा बल्ब इनकी खत्म हो जा रही है, फिर से चार्ज नहीं हो रहा है, इनकी बैटरी हमारी ये बोले इनकी डेड हो चुका है। तो फिर से इसको क्या करेंगे, डेड हो चुका है उसका भी फिर से सोल्यूशन है, ठीक है। अभी फिलहाल चार्ज नहीं हो रहा है, जैसे फिर इनकी इसको हम चार्जर को लाइन देंगे तो देखिए फ्रेंड्स हमारा ये बल्ब इनकी जलने लगा। तो फ्रेंड्स आपसे बता दूं कि हमें क्या करना है डायरेक्ट इनकी, हमें आपको एक तरीका बता देते फ्रेंड्स इनकी एसिड मिलता है, ठीक है। आपको 20-30 रुपये मिलेगा एसिड वाला जो कि एक पैकेट होता है पानी की बोतल आप पीते हैं वैसा ही सेम। तो ऐसा फ्रेंड्स ले आकर और इसमें बोले कि सिरिंज लेकर और थोड़ा थोड़ा इनकी डाल देंगे एक सिरिंज में इनकी बोलेंगे दोनों में तो फिर काम करेगा। अगर फ्रेंड्स हमारे पास एसिड नहीं है, ठीक है, तो फ्रेंड्स हमें इनकी बोले कि थोड़ा सा पानी को भी हम यूज कर सकते हैं चेक करने के लिए। तो चले फ्रेंड्स मैं इनकी नीडल इनकी ले लिया हूँ सिरिंज बोले इनकी और इसको फ्रेंड्स इसमें इनके पानी इनके डालेंगे। चले फ्रेंड्स हम इनके हल्का हल्का इनके नीचे के साइड में इनकी डाल देंगे और नीचे के साइड डालने के बाद फ्रेंड्स इनके इसमें इनके पानी हल्का हल्का इनके हम दे देंगे क्योंकि फ्रेंड्स इनके पानी देंगे तो भी फ्रेंड्स इनके बोले कि इसमें इनकी जमा हुआ एसिड है ना वो इनकी बाहर इनकी आ सकता है, इनके बोले इनकी ऊपर के साइड में हो जाए। देखिए मेरे फूल हो चुका है और यहाँ पे फ्रेंड्स इनके इसको भी इनके फूल करेंगे, ठीक है। और फूल होने के बाद फ्रेंड्स आपसे बता दूं कि क्या करना है, आपको तो कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स। अब फिर से इनके इसको इनके में चार्ज करना है करीब बोलेंगे 10 मिनट। तो फ्रेंड्स आप इनके 5 मिनट ही डायरेक्ट इनकी चार्ज करेंगे ना तो आपका इनकी बैटरी के खत्म है या अच्छा है, ठीक है। तो चले फ्रेंड्स मैं इनके पानी इनकी डाल चुका हूँ और फिर से इनके बोलेंगे करीब करीब बोलेंगे 10 मिनट इनकी इसको चार्ज में लगाकर आप सुख इनके दिखाते हैं। आप फिर से पानी के सटे में बोलेंगे कि आप एसिड को यूज करिएगा, ठीक है। मैं इनकी आप सबको बताने के लिए इनकी पानी का भी थोड़ा सा यूज करा आप भी ऐसे कर देखिएगा हो जाता है, ठीक है। अगर नहीं होगा फ्रेंड्स इनकी तो आपसे एक बता दूं कि आप इनकी एसिड को यूज करेंगे तो जरूर आपका इनकी थोड़ा काम करेगा। अगर फ्रेंड्स इनकी वैसा भी नहीं हो रहा है तो बोलिए फ्रेंड्स आपका ये सेल है ना वो इनकी डेड हो चुका है, इनकी खराब हो चुका है, ठीक है। तो चले फ्रेंड्स करीब इनकी बोले इनकी 10 मिनट इनकी मैं इस बैटरी को इनकी चार्ज करा तो फ्रेंड्स इनकी बोले इनकी कुछ भी जो कि बल्ब इनकी नहीं जल रहा था, जैसे ही फ्रेंड्स इनकी 1 घंटा लगाया तो भी इनकी बल्ब नहीं जल रहा था। तो फ्रेंड्स इसको मैं क्या कर रहा है इनकी बोले इनकी रात भर मैं इनको चार्ज में इनकी चार्जर द्वारा इनकी लगा दिया और छोड़ दिया। तो जैसे ही फ्रेंड लगभग बोले इनकी 8 घंटा हो गया था तो 8 घंटे के बाद इनकी बल्ब इनकी हम
बार रहे थे तो यानी कि बोलेंगे हल्का हल्का जल रहा था, तो उसके बाद जैसे इसको 8 घंटे से बढ़ाकर बोलेंगे करीब करीब बोलेंगे 13 घंटा से लेकर 15 घंटे के बीच में इसको रखा, ठीक है। तो उसके बाद फ्रेंड्स इनकी हमारे ये क्या है, क्या है कि ऑवन की बॉल इससे जल रहा है। अगर फ्रेंड्स आप सभी को ऐसा इनकी प्रॉब्लम है तो फ्रेंड्स आप इनकी लगा कर छोड़ दीजिएगा लगभग बोलेंगे 24 घंटा, तो आपका इनकी अगर बैटरी थोड़ा सा भी अच्छा होगा ना तो इनकी आपका ये बॉल इनकी जलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स आप बॉल इनकी मैं बाल कर आपको इनकी दिखा देता हूँ और बॉल इनकी जल रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स हल्का हल्का इनकी बॉल इनकी हमारा जल रहा है। तो फिलहाल फ्रेंड्स ये हमारा बैटरी जो कि बोले इनकी हल्का अच्छे कंडीशन में है, मतलब बोले इनकी 10%, तो इसके अलावा इनके बल्ब जल रहा है। मगर फ्रेंड्स इनकी आपका अगर थोड़ा इनकी बोले 50% के इन कंडीशन में होगा ना तो आपका इनकी 10 मिनट में ही आपका बैटरी इनकी चार्ज हो जाएगा, और इनकी बोलेंगे आप 2 घंटा चार्ज करेंगे तो आपका बोले इनकी बहुत देर तक इनकी लाइट इनकी जलेगा। चलिए फ्रेंड्स ऐसे करके आप इनकी बना सकते हैं जो कि खराब बैटरी को। और आप इसमें इनकी अगर हम इसमें इनकी बोले कि वो एसिड होता है एसिड इनकी डालेंगे तो थोड़ा इनकी जल्दी चार्ज होगा, ये तो फिक्स है। अब मगर फ्रेंड्स आप इनकी बोले कि थोड़ा इनकी पानी भी रख कर इनकी ट्राई कर सकते हैं तो आप इनकी बैटरी हल्का बोलेंगे नॉर्मल पोजिशन में होगा तो इनकी बहुत ही आसान तरीके से आपका बल्ब चलेगा। चलिए फ्रेंड्स आप इनकी ऐसे करके इनकी बैटरी को रिपेयर कर सकते हैं अपने घर पर और बहुत ही आसानी तरीके फ्रेंड्स इनकी कोई भी LED लाइट इनकी जला सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स हमें एक बार इनकी प्रैक्टिस करने में बोले मैं एक बार इनकी ट्राई करने में क्या जाता है, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। मगर फ्रेंड्स इनकी अगर ये अच्छा रहेगा तो फ्रेंड्स काम भी करेगा और बोलेंगे डेड हो चुका है तो इनकी इसको इनकी सेल कर देंगे बेच देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स आप सभी को फ्रेंड्स ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और अच्छा लगा होगा तो लाइक से जरूर करिएगा, और साथ में चैनल संतोष पर रौना इलेक्ट्रॉनिक पर नए थे कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स हम इसी तरह नए वीडियो अपलोड करता रहूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको जरूर से मिल जाएगा और आप वो वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स और भी कोई भी सलाह हो प्लीज जरूर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। तो चलिए और वीडियो को मैं लंबा न करते पिन करना चाहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।